एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइव्स। सो रोहित तो आज सुबह सुबह उठ के, कल रात को मैच था और बहुत लेट हो गए सोने में। रोहित उठ के पूजा भी कर ली और उसके बाद तैयार हो गए, मंदिर भी जाके आ गए और हम लोग तो सोए हुए थे, बट मैं भी उठ गई थी बाद में। और बस उठ गई और उसके बाद थोड़ा बहुत अपना शॉवर वगैरह लेके मैं भी रेडी हो गई, जाना कहीं नहीं है। बट हाँ, घर पे थोड़ा सा जब तक शॉवर ना लो ना तब तक बहुत सुस्ती सुस्ती सी रहती है और मेरी आंखों से लग रहा होगा कि रात को बहुत देर तक जागे। मैच देखा, बहुत मज़ा आया, इंडिया का मैच देख के। हाँ, और मैंने यहाँ पे ना भल्ले बनाने के लिए दाल भिगो के रखी है, तो आज हम चाट बनाने वाले हैं, चाट पार्टी होने वाली है हमारी। तो मेरे को बहुत टाइम से क्रेविंग सी हो रही थी, बट ना बाहर से मन नहीं कर रहा था खाने का, तो मैंने सोचा ज़्यादा देर तो लगेगी नहीं तो चलो घर पर बना लेंगे। और बस मैंने चटनी भी कल रेडी कर दी थी और साथ ही साथ ग्रीन चटनी बस अब रेडी करनी है, शाम को करेंगे, लेकिन ये हमारी चाट पार्टी तो इसलिए सब चीज़ें अभी बनाएंगे हम थोड़ी देर में। रोहित यहाँ पे सामान ले, फ्रूट्स ख़त्म थे, फ्रूट्स ले आए हैं, उसके अलावा नींबू वगैरह जो ख़त्म था वो लेके आए हैं। सो दिस इज़ द प्रीवियस डे और मैंने ना पिछले दिन ही जो है वो मीठी चटनी जो है वो बना कर रख ली थी और मेरे पास ये डेट्स पड़े थे काफ़ी सारे और इनका ना अब वो होने वाला था, लाइक एक्सपायरी डेट आने वाली थी, तो मैंने सोचा उससे पहले पहले मैं इसको यूज़ कर लूँ यहाँ पे, और नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे सारे। और बस उसी लिए मैंने खजूर वाली जो मीठी चटनी है वो बनाई। और वैसे भी ना ये मीठी चटनी जो है ये पकी हुई होती है तो ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी, इसका शेल्फ लाइफ काफ़ी लॉन्ग होता है, तो इसको आप बना के जो है वो स्टोर करके रख सकते हो और किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। और ख़ासकर आजकल ना खाने का मन कर ही जाता है चटपट था कुछ, तो फिर उसमें कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने इसको इसीलिए पहले ही बना के रख लिया था। और वैसे भी पता था कि नेक्स्ट डे चाट पार्टी करनी है तो फिर ज़्यादा टाइम लगना था, और इसलिए मैंने शाम के टाइम पे ही ये बना के रख ली। तो सबसे पहले आपको जो डेट्स हैं, अगर तो आपके पास सीड फ्री हैं तो सीड फ्री वाले ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे सीड्स को अलग कर लेना है और उनको अलग करके जो है हमने इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रख देना है। आप पानी में डिप करके नहीं रखना चाहो तो इसको सीधे ग्राइंड भी कर सकते हो, तो मेरे को थोड़ा आलस हो गया कौन मिक्सर जार निकाले और कौन उसको साफ़ करेगा फिर, इसलिए मैंने इसको जो है पानी में भिगो के रख दिया यहाँ पे। और फिर उसके बाद उसी तरह से मैंने जो इमली है ना उसको भी भिगो के रख दिया, और मैंने लगभग यहाँ पे एक कप जो है वो अपना ये डेट्स ली हैं और उतना ही मैंने जो है इमली ली है। अब इनको भीगे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी देर तक मैंने इनको सोक कर लिया, तो बस अब इनका मैं पल्प जो है वो रेडी करूँगी। इसको मैं यहीं पे मैश कर लूँगी अच्छी तरह से हाथों से, और अगर इनमें टैमरिंड में भी सीड्स हैं इमली में तो उनको भी अलग कर लेंगे इसी स्टेज पे यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप जो है वो इसको अच्छी तरह से इसका पल्प जो है वो रेडी कर सकते हो। सेम वे में हम जो हमारा खजूर है उसको भी मैश कर लेंगे और इसका भी पल्प सा जो है वो रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी आप अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चटनी में जब हम बनाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा पानी डालेंगे जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद इसको हम जो है वो छान लेंगे, क्योंकि इसके जितने भी कुछ रेशे वगैरह रह गए हैं वो सब जो है वो सेपरेट हो जाएंगे फिर। तो मैंने पहले दूसरी वाली छलनी ली थी, उससे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था बिकॉज थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था, फिर मेरे को ध्यान आया कि मेरे पास ये वाली भी है सीफ, तो मैं इसमें ही इसको अच्छे से इसका पल्प जो है वो निकाल लूँ, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो जल्दी हो गया। एंड देन उसके बाद दोनों को, इमली को भी और जो हमारे खजूर थे डेट्स थे उनको भी मैंने इकट्ठा करके जो है एक में कर लिया और कढ़ाई में, और थोड़ा देर इसको हम जो है ना पकाएंगे यहाँ पे, और मीडियम फ्लेम रखी है मैंने, और मीडियम फ्लेम पे इसको जो है हम थोड़ा सा इसमें बॉयल आने देंगे।
जब तक ये पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे साइड में जो है वो जीरा जो है वो भून रही हूँ। मेरा जो भुना हुआ जीरा था वो ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे जीरा जो है वो भून के रख रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है भुना हुआ जीरे का पाउडर डलता है। तो क्योंकि वैसे तो डेट्स डाल रहे हैं वो भी थोड़ी मीठी होंगी, लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ पे चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो ये गुड़ वाली ही बनती है और बहुत टेस्टी बनती है, जो हम सौंठ जो हम गोलगप्पों में यूज़ करते हैं या फिर मीठी चटनी जितनी भी हमारी बनती है ना, वो सारी इसी तरह से बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया, उसको भी अच्छे से क्रश कर लिया। अब मैं इसको इसमें ही ट्रांसफ़र कर रही हूँ और ये भी साथ में बॉयल हो जाएगा यहाँ पे। धीरे धीरे से इसका टेक्सचर कुछ इस तरह सा होने लगेगा और ये बॉईल होके थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी और इसका कलर भी जो है जब हमने गुड़ डाला तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। लेकिन और भी इसको अच्छा मतलब टेस्ट देने के लिए हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है रेड चिली पाउडर, उसके बाद इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। भुने हुए जीरे को मैंने जो है वो क्रश कर लिया है और वो डाल देंगे। एंड देन मैंने यहाँ पर सौंफ ली थी, उसको भी मैंने जो है ना दरदरा पीसा है, वो डाल देंगे। एंड देन यहाँ पे एक टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे सौंठ पाउडर डाला है और उसके अलावा मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है और यहाँ पे मैंने सेंधा नमक और काला नमक दोनों डाले हैं और थोड़े से मैंने इसमें काली मिर्च का जो है पाउडर वो डाला है। नाउ वी विल गिव गुड मिक्स टू दिस और ये बहुत ही अच्छा कलर जो है इसका देखो आ गया है हम। और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको टेस्ट करके थोड़ा सा जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपको नमक जो है वो कम लग रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप डाल सकते हो। और टू चेक कि हमारी चटनी जो है वो पक गई है या नहीं या अभी भी इसमें कसर बाकी है, तो उसके लिए हम अपना जो स्पैटुला है उस पर अपनी फिंगर से जो है वो उसको टच करके देखेंगे। अगर वो दोबारा से मतलब जो है वो वापस इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब अभी उसको पकने में टाइम है, लेकिन अगर वो इकट्ठा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो पक चुकी है और बस उसको हम ठंडा कर लेंगे। तो मैंने ना ठंडा करके उसके बाद ये जार जो है वो अच्छे से धो लिया था, सुखा लिया था और रात को मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। एयरटाइट कंटेनर में ही रखिएगा और बस इसको फिर फ्रिज में रख देंगे और एक मंथ तक आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो अब हो गई है 4:30 बज गए हैं और अब मैं किचन में आई हूँ, बिकॉज बहुत धूप रहती है तो इसलिए धूप तो कम है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, तो इस वक्त थोड़ा ठीक तो नहीं होता है बट फिर भी स्टिल मतलब ठीक रहेगा। तो फिर मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ बनाना, बिकॉज हमारा चाट पार्टी करने का रात का ही मूड था, तो अब मैं थोड़ी चीज़ें जो अपनी वो बनाऊँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चाहिए वो सब प्रिपरेशन करते हैं और किसी दिन ना ऐसे घर में चाट पार्टी करके देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आता है सच में लिटरली। तो चलिए थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं एक तो पापड़ी बनाऊंगी, दाल तो मैंने भिगो दी थी सुबह ही, आपको मैंने दिखा दी थी, और साथ में उसके अलावा जो भी हमें हरी चटनी चाहिए वो बनाने को है। तो बस अभी वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करूँगी मैं मैदा को नीट करके, तब तक जो डो है उसका वो थोड़ी देर उसका रेस्ट भी हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर के लिए वो जैसे आधा पौना घंटा के लिए रखते हैं तो वो भी हो जाएगा और अच्छा बन जाएगा डो। और उसके बाद चटनी बनाएंगे एंड देन बनाएंगे भल्ले। पापड़ी वैसे तो मैंने सोची नहीं थी बनाने, भल्ले ही सोचे थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ी कितनी ही देर लगी, कढ़ाई तो मैंने चढ़ाई होगी तो मैं चलो पापड़ी भी रेडी कर लेती हूँ, इसलिए मैं पहले ही जो है वो इसका डो जो है वो रेडी करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी के करीब जो है वो मैंने मैदा ले लिया है और ये छोटी कटोरी है मेरी, बहुत ज़्यादा बड़ी कटोरी नहीं है। और फिर उसमें जो है हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन लेंगे और उसको अपने हाथों में ही क्रश करके जो है वो इस तरह से डाल देंगे। देन इसमें हम ऐड कर देंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जो है वो आप अपना नमक डाल सकते हो, आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हो, बट ध्यान रखना क्योंकि हम बाकी के चाट मसाला वगैरह भी ऐड करेंगे, चटनीज भी ऐड करेंगे, तो थोड़ा ही डालें तो बेटर है। उसके बाद मोन के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है देसी घी, तो मैंने 4 टी स्पून जो हैं वो मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह की बाइंडिंग आनी चाहिए, अगर तो इस तरह की बाइंडिंग आ रही है तो इसका मतलब आपका
जो आटा है वो बिल्कुल रेडी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका सेमी सॉलिड सा डो जो है वो तैयार कर लेंगे। लाइक हमें बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए जैसे कि पूरी के लिए बनता है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा ऊपर घी डाल के उसके बाद इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और बस मैंने यहाँ पे इसको दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है, और उसके ऊपर एक जो गीला कपड़ा है वो डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब किचन से सारी धूप ना इस तरफ पहुंच गई है। अभी भी देखो आपको दिख रहा होगा कि कितनी धूप हो रही है, और अराउंड 5:30 जो है वो हो गए हैं, और कितनी धूप अभी भी अंदर आ रही है। वैसे तो मैं कर्टन्स करके रखती हूँ, बट इस टाइम पे हटा देती हूँ। तो अब बनाने जा रही हूँ मैं हरी चटनी नहीं बनाई थी, तो बस मैंने पहले ले लिया है पुदीना, और उसमें डाल दिया है हरा धनिया, एंड देन उसमें हम डाल देंगे 2 मिर्ची। आप अपने अकॉर्डिंग हरी मिर्ची जो है वो डाल सकते हो। जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है अदरक, उसके बाद ये चने हैं भुने हुए वो डाल दिए हैं, और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया है, एंड देन इसमें काला नमक और बर्फ़ डाल के इसको हम जो है इसका चटनी जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। तो बस हमारी ग्रीन चटनी भी रेडी हो गई है, और अब हम जो है दाल जो है वो उसको पीस लेंगे। मुझे ये सब करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं सच बताऊं, बिकॉज एक तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं बना रही थी, थोड़ा थोड़ा ही बना रही थी, जितना मतलब खाया जाएगा उतना ही बना रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने। और अब मैंने यहाँ पर दाल भी पीस ली थी, दाल में मैंने ना अदरक डाल दिया था थोड़ा सा, और बस इसको पीस लिया था, एंड देन अब मैंने उसको भी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया है, और तब तक मैं यहाँ पर पहले पापड़ी जो है वो बना दूँगी। तो पापड़ी बनाने के लिए ना 2 तरीके हैं, या तो आप पूरे को आटे को ज़्यादा सारा लो और इकट्ठा बेल लो, और उसके बाद कोई कटर की हेल्प से जो है वो उसको काट लो, मतलब जैसे सर्कल शेप में, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर आप इस तरह से छोटी छोटी सी इसकी बॉल्स लेके और उनको अलग अलग जो है वो बेल के बना सकते हो। बस आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इवन हो सारी तरफ से, और इसमें इस तरह से प्रिक ज़रूर करना है आपको, नहीं तो फिर वो पूरी का शेप ले लेगा, पूरी की तरह फूल जाएगा, तो इसलिए प्रिक ज़रूर करना है। अब कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ना रिफाइंड ले लिया, और उसको मीडियम हॉट जो है वो गरम कर लिया, और उसके बाद इसमें मैंने अपनी पापड़ी जो बनाई थी मैंने उसको जो है वो डाल दिया, और इसको मीडियम फ्लेम पे ही, मीडियम से भी कम फ्लेम पे थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही थी ना, और बस मेरी तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मम्मा भी इसी तरह से ना घर में बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई करते थे और घर पे ही बनाना पसंद करते थे, और उस टाइम पे खैर इतना ज़्यादा आउटलेट्स भी नहीं होते थे, तो घर पे वो बनाते थे और बहुत मज़ा आता था, सब इकट्ठे होते थे, मिल के खाते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो बस आज भी ना, अभी वो खुशबू जब अंदर तक पहुंची ना, तो बस आदिश आ गया और बहाने से कि मम्मा मैं हेल्प करता हूँ आपकी, और कि ये प्रिक करने में, और आप बनाते जाओ मैं प्रिक करता जाता हूँ। लेकिन देखो उसने पहले ही खाना शुरू कर दिया और लेके भाग भी गया। मैं और जिस तरह से ये दोनों, रोहित भी आ गए थे तो बाद में खुशबू से ही आ गए थे अंदर कि ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और दोनों आके खा रहे थे ना, मुझे पता चल गया कि ये बहुत अच्छा बना है। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी ना कि बीच में मुझे रेस्ट लेना पड़ रहा था, पानी पूरी वगैरह पीना पड़ रहा था, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट लिया, उसके बाद फिर से मैं आ गई और अपने भल्ले जो है वो तैयार करने लग पड़ी। तो भल्लों के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक डाला इसमें, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था हींग, मैं इसी में डाल देती हूँ, और इसको अच्छे से जो है अब हम फेंट लेंगे। कम से कम हमें इसे 2 मिनट तक तो इस तरह से फेंटना है जिससे कि इसमें एयर आ जाए और ये फ्लफ़ी हो जाए। ओके, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मैंने कौन सी दाल भिगोई थी, तो मैंने यहाँ पे मूंग दाल और उड़द दाल दोनों भिगोई थी। मूंग दाल थोड़ी ज़्यादा थी, उड़द दाल थोड़ी कम थी, और दोनों को मैंने भिगो दिया था। मैं
बस अब तेल तो गर्म था लेकिन इसके लिए हमें सिम पे बनाना है बिकॉज़ ये अंदर से भी पकने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से जो है वो बॉल्स बना के इसके जो है वो भल्ले जो है वो प्रिपेयर कर लिए। और इसको आपको थोड़े कम ही आंच पे पकाना है बिकॉज नहीं तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और बस यहाँ पे ये बन गए थे तो मैंने साथ में ही पानी ले लिया और इसको इसमें जो है भल्लों को उसमें डिप करके जो है वो रख दिया। अगर आप दाल में जो है वो नमक और हींग नहीं डालना चाहते तो आप इस स्टेज पे पानी में जो है नमक और हींग जो है वो डाल सकते हो। बस उसके बाद ना थोड़ी देर बाद मैंने शाम की पूजा वगैरह की। उसके बाद मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा था, अब थोड़ा सा ना पता नहीं बादल से आ गए थे और थोड़ी हवा चलने लग पड़ी थी बाहर, तो काफ़ी अच्छा हो रहा था। उसके बाद मैं आ गई अंदर। तो फाइनली जी हमारा काम हो गया, बस अब असेंबलिंग करनी है तो वो बाद में करेंगे। और यहाँ पे रोहित लगे हुए टी वी देख रहे हैं। हेलो और ब्लॉग सामने मैंने भी फुल मस्ती मारी है सही में, मतलब कोई काम नहीं किया है, संडे मनाया है सही में। सुबह रोहित परौंठे ले आए थे, कल रात को एक्चुअली लेट हो गए ना इसलिए नींद नहीं पूरी हुई थी। तो बस मैंने अपना यहाँ पे ये सारी चीज़ें रख दी और मैंने फिर राधेश को बोला कि अब सब अपनी प्लेट्स ना जो है सब अपने अपने आप बनाएंगे, असेंबल करेंगे किस तरह से जिसको जो चीज़ चाहिए। तो राधेश उसी चीज़ में ना बहुत खुश हो गया कि अपनी प्लेट खुद तैयार करनी है। तो दही प्रिपेयर करने के लिए भी मैंने उसको अच्छे से फेंट लिया था और उसके बाद उसमें थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाए और उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो चीनी डाली थी और उसको बस उसको चीनी डाल के उसमें रख दिया था बिकॉज नमक तो हम और चीज़ों में भी डाल रहे हैं। और ऊपर से मसाला डालने के लिए मैंने एक मसाला प्रिपेयर किया था जिसमें कि जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और अमचूर पाउडर जो है वो डाला था और उसका एक मसाला जो है वो अलग से ही प्रिपेयर करके रख लिया है। तो बस यहाँ पे साथ में मैं भी अपनी प्लेटिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं भल्ले चार पहले और पापड़ी ली है, उसके ऊपर हम दही की एक लेयरिंग करेंगे। और इसके लिए ना दही थोड़ा ठंडा हो तो अच्छा लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दी है चटनी, मीठी चटनी जो बनाई थी वो डाल दी है और साथ में मैंने हरी चटनी डाल दी है और ऊपर से जो मसाला बनाया था वो स्प्रिंकल कर दिया है। आपके पास अगर सेव पड़े हो तो आप वो भी डाल सकते हो, मलाई सेव जो होता है, और उसके अलावा अनारदाना हो, स्प्राउटेड वो स्प्राउट्स हों वो भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है। मेरे पास ये चीज़ें नहीं थी तो मैंने नहीं किया। आई रिव्यू अच्छा बनाना, मैं सारी मेहनत मैंने की है, प्लेटिंग मैंने करी ये सिर्फ प्लेटिंग करने को दी है, बाकी सारा मैंने किया है ना अभी। तो आज का ब्लॉग चाट पापड़ी के साथ एंड करते हैं और बहुत यम्मी बनी है, ज़रूर ट्राई करना, अच्छी बनी है ना, बहुत दिन में बनी है, ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ ना ज़रूर शेयर करना कि कैसी बनी थी। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि लाइक्स तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं होते, व्यूज़ भी आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। और मैं जल्द मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय बाय बाय।